हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड ऑल ऑफ यू, सबको जय मसीह की। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शन को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ निरुला जी के द्वारा लिखा गया है। हमारा आज का पवित्र वचन है, महंगा है वचन पर चलना। जैसे योना एक अध्याय उसके 3 आयत में लिखा, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तशीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तशीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तशीश को चला जाए। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जिसने परमेश्वर के वचन को नहीं माना, चाहे वो बाइबल में से हो चाहे सांसारिक रीति से, हम देखते हैं कि उन पर बहुत सी विपत्तियां आई, बहुत से संकट, यानी उसको महंगा पड़ा परमेश्वर के वचन पर न चलना। बाइबल में जब हम योना नबी के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने उससे कहा कि उस बड़े नगर निनवे को जा जो उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। लेकिन योना ने परमेश्वर की बात को ना माना और वह निनवे की जगह तशीश को नगर को चला गया। जिस जगह में वो बैठकर तशीश जा रहा था तो अचानक समुन्दर के बीच में उस पर एक बड़ी मुसीबत आई और जब जहाज में बैठे लोग डर गए तो उन्होंने चिट्ठी डाली कि मैं मुसीबत उन पर किसकी वजह से आई है, तो चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तो योना ने उसको कहा कि मुझे उठाकर समुन्द्र में फेंक दो तो यह तूफान शांत हो जाएगा। और ऐसा हुआ और समुन्द्र में गिरते ही योना मछली के पेट में चला गया और 3 दिन रात तक पेट में ही रहा। फिर उसने समुन्द्र में मछली के पेट में ही परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे यहाँ से निकाल। तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और 3 दिन और रात के बाद योना मछली के पेट से जिंदा बाहर आया और फिर वो निनवे के लोगों को प्रचार करने गया। मेरे प्रियो, अगर योना ने पहले ही परमेश्वर की बात मान ली होती जब परमेश्वर ने उसे निनवे जाने को कहा था, तो वो इतनी बड़ी मुसीबत में ना फंसता। योना नबी को महंगा पड़ा अगर वह परमेश्वर की बात को ना मानना। उसी तरह आज बहुत सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं। अगर परमेश्वर के दास ने उन्हें कहा कि यह पाप ना करो, कोई भविष्यवाणी की है, तो कोई लोग इन बातों की अनसुना कर देते हैं और फिर जब उन पर कोई भारी मुसीबत बढ़ती है तो यह सोचते हैं कि काश हम पहले ही परमेश्वर की बात को मान लेते। क्योंकि परमेश्वर का दास परमेश्वर के वचन से ही आपसे बात करता है। मेरे प्रियो, आप बाइबल में पढ़ें कि जिसने भी परमेश्वर की आज्ञा को माना, उसके वचन के अनुसार किया, वह आशीषित हुआ और परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तेरा वंश आकाश के तारों के समान होगा, तो अब्राहम ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि नहीं नहीं परमेश्वर, मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरे कैसे कोई संतान उत्पन्न हो सकती है। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर की बात को माना और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता गया, तो परमेश्वर ने उसे आशीषित किया और उसका नाम ऊंचा किया। जब आप परमेश्वर का वचन नहीं मानते और परमेश्वर ने जो दास आपके लिए ठहराया है उसको नहीं सुनते, तो आप भारी मुसीबत में पड़ते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भारी मुसीबत में ना पड़े, तो परमेश्वर के आज्ञा को मानो। परमेश्वर अपने दास के द्वारा आपसे कह रहा है, उसको माने। जब आप ऐसा करो पर परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे, आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर,
मैं अंगीकार करती हूँ कि परमेश्वर आप जो कुछ भी मुझसे अपने दास के द्वारा कहेंगे मैं उसे सुनूंगी और उस पर चलूंगी, कभी भी इनकार नहीं करूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू सबको जय मसीह की।